नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिमगुरु नॉलेज पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम हिमाचल प्रदेश की नदियों के बारे में विस्तार से जानेंगे। मैं आपको वही सब कुछ बताऊंगा जो कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हिमाचल प्रदेश में मुख्यतः 5 नदियाँ हैं जो हम सभी जानते हैं, सतलुज, चिनाब, रावी, ब्यास, यमुना। अब चलिए उसके सबसे पहले हम उसके प्राचीन नाम के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि मोस्टली हर कम्पिटिटिव एग्जाम में जो भी पूछा जाता है प्राचीन नाम के बारे में पूछा जाता है, चाहे वो वैदिक नाम हो चाहे वो संस्कृत नाम हो। जो हिमाचल प्रदेश की नदियां हैं उनके सांस्कृतिक नाम पूछे जाते हैं, हर एग्जाम में आपको ये देखने को मिलेगा। तो चलिए सबसे पहले हम सतलुज के वैदिक नाम को अगर देखें तो सतुद्री, वही संस्कृत इसका शतुद्र है। ठीक है दोस्तों, कहीं पर ये शतुद्री भी लिखा होता है, सतुद्री के साथ शतुद्री भी लिखा होता है, तो उसमें कंफ्यूजन ना हो। ठीक है दोस्तों, यहां से आप ऐसे याद रख सकते हैं, देखिए वैदिक सतुद्री और संस्कृत शतुद्र। वैसे भी जो भी कंपिटेटिव एग्जाम है आपको वहां पर ऑप्शन दिए होंगे तो आप आसानी से सिलेक्ट कर सकते हो। वहीं चलिए दूसरा देख लेते हैं, ब्यास नदी का वैदिक नाम अर्जिकिया है, वही संस्कृत नाम इसका विपाशा है। रावी नदी की हम बात करें तो वैदिक नाम इसका पुरुषनी है, वही संस्कृत नाम इरावती है। देखिए दोस्तों कई बार ये पुरोषनी भी आ जाता है, तो इसमें भी आप जो है तो कंफ्यूज ना होइए, सिर्फ आपको याद रखना है अलग अलग तरीके से, इसको आप आसानी से पढ़ सकते हो क्योंकि काफी ज्यादा ये टफ नहीं है, उतनी आसान है। तो रावी नदी का वैदिक नाम पुरुषनी और संस्कृत इरावती, वही चिनाब नदी का वैदिक नाम अस्किनी है। यही यमुना की बात करें तो वैदिक नाम इसका कालिंदी है, वही जो इसके संस्कृत नाम है इनका उल्लेख नहीं मिलता है। दोस्तों अब उनकी लंबाई की बात कर लेते हैं हम, मैं आपको वही लंबाई बताऊंगा जो हिमाचल प्रदेश में प्रवाह होता है इसका। ठीक है दोस्तों, जो जितनी ये हिमाचल प्रदेश में बहती है, जितने किलोमीटर बहती है, वही मैं आपको यहां पर बताऊंगा। हिमाचल प्रदेश से बाहर जितनी बहती है वो मैं आपको यहां नहीं बताऊंगा क्योंकि वो मोस्टली पूछा भी नहीं जाता है। तो आपको हिमाचल प्रदेश के रिलेटेड है तो हिमाचल में जितनी बहती है उतना ही बताऊंगा भी। तो सतलुज की देख लेते हैं, 320 किलोमीटर। वहीं ब्यास की बात करें तो 256 किलोमीटर, वहीं रावी की 158 किलोमीटर, चिनाब की 122 किलोमीटर और यमुना सबसे छोटी नदी है। हिमाचल में काफ़ी कम ये बहती है परंतु मुख्य नदी है इसीलिए इसको हिमाचल में इंक्लूड किया गया है। तो ये हिमाचल में काफ़ी कम बहती है इसीलिए इसकी एग्जैक्ट जो लंबाई है वो दी नहीं गई है, काफ़ी छोटी है। वहीं अगर हम इसमें देखें लंबाई में तो सतलुज की लंबाई सबसे ज़्यादा है, तो इस बेस पर हम कह सकते हैं कि सतलुज जो है तो लंबाई के, ठीक है दोस्तों, लंबाई के अनुसार हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी नदी जो है तो यहाँ पर सतलुज है और सबसे छोटी यमुना नदी। ठीक है दोस्तों, चले जल ग्रहण क्षेत्र जितने उसका घनत्व है, जल ग्रहण करती है वो भी हम जान लेते हैं, उस बेस पे भी देखते हैं कि क्या कुछ इसमें रहता है। ये देखिए यहाँ पे सतलुज की अगर हम बात करें तो 20,000 वर्ग किलोमीटर, ठीक है दोस्तों 20,000 वर्ग किलोमीटर इसकी हम देखते हैं कि इसका जल ग्रहण क्षेत्र है। वही अगर हम बात करें ब्यास नदी की तो ब्यास नदी का 12,000 वर्ग किलोमीटर यहाँ पे दिया गया है। वहीं रावी नदी 5,451 वर्ग किलोमीटर इसका जल ग्रहण क्षेत्र है, चिनाब का 7,500 वर्ग किलोमीटर, वहीं यमुना का 2,320 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है दोस्तों, वैसे जल घनत्व के हिसाब से देखी जाए तो चिनाब सबसे बड़ी नदी मानी जाती है। ठीक है दोस्तों, वहीं सहायक नदियां, अब इसकी सहायक नदियां हैं वो भी सबसे जो अहम रोल निभाती है जो भी कंपिटेटिव एग्जाम पूछे जाते हैं, इसीलिए आपको सहायक नदियों के बारे में भी मालूम होना जरूरी है। तो भी हम सहायक नदी के बारे में जान लेते हैं। अब सहायक नदी, सतलुज की सहायक नदी जो बसपा और स्पीति नदी को माना जाता है। वहीं ब्यास की बात करें तो इसकी काफी ज्यादा जो है तो सहायक नदी है जो लूनी नदी है, पार्वती है, बाणगंगा है। देखिए दोस्तों बाणगंगा का उल्लेख काफी ज्यादा आपको मिल जाएगा, इसीलिए बाणगंगा के बारे में आप पढ़ लीजिए, बाणगंगा काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये भी। ठीक है दोस्तों, सेंज, तीर्थन, हार्ली, ओल, बनेर जो यहां पे दी गई है, परंतु पार्वती और बाणगंगा ये जो दो नदियां हैं इसके बारे में काफी ज्यादा पूछा जाता है, तो आप इन दोनों के बारे में भी पूछ जो है तो पढ़ लीजिए। ठीक है दोस्तों, वहीं रावी नदी की हम बात करते हैं तो इसकी भांदल है, तंतगिरी है, ठीक है दोस्तों, छतरानी है, स्थूल है, साल है, तो ये तत्तागिरी, कई बार ये तत्तागिरी भी लिखा जाता है जो रावी नदी का है। कंपिटेटिव एग्जाम में आपको तत्तागिरी भी आ जाएगा, तंतगिरी यहां पे लिखा गया है, परंतु कई बार ये तत्तागिरी भी आता, तो कंफ्यूज ना होइए, ये रावी नदी की सहायक नदी मानी जाती है। वही चिनाब की जो है तो चंद्रभागा मानी जाती है। ठीक है दोस्तों, चंद्रभागा जो नदियां हैं, चंद्रभागा जो है तो ये चंद्रा नदी जो है तो ये चंद्रताल झील का निर्माण भी करती है, वहीं भागा नदी जो है तो सूरजताल झील का निर्माण करती है लाहौल स्पीति में, और जब ये तांडी में जाकर मिलती है तो ये चिनाब नदी का निर्माण करती है तांडी में जाकर। ठीक है दोस्तों, तो ये भी याद रखिए, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। वहीं यमुना की अगर हम बात करें तो गिरी, टोंस, पब्बर और आंध्रा नदी है। ठीक है दोस्तों, और गिरी और पब्बर टोंस, ठीक है दोस्तों, गिरी, टोंस, पब्बर ये तीन नदियों जो है तो इसकी इंपॉर्टेंट मानी जाती है, इसलिए आप इन्हीं के बारे में याद रखिए, आंध्रा नदी उतनी जरूरी नहीं मानी जाती इसमें।
चलिए अब उद्गम स्थल की बात कर लेते हैं हम। उद्गम स्थान कहाँ से ये निकली, ये सब कुछ जानना भी हमारे लिए जरूरी है, तो ये सब कुछ भी हम जान लेते हैं। अगर मैं सतलुज नदी की बात करूं तो ये मानसरोवर झील, ठीक है दोस्तों, जो राक्षसताल झील भी कहते हैं, तो मानसरोवर झील तिब्बत से जो निकलती है वहां से निकली है, ठीक है दोस्तों। राक्षसताल ये झील मानी जाती है, मानसरोवर झील भी कहते हैं, राक्षसताल झील भी कहते हैं, तिब्बत से निकलती है ये। और वहीं ब्यास की बात करें तो रोहतांग दर्रे से निकलती है, ठीक है दोस्तों। रावी जो है तो बड़ा बंगाल जो कांगड़ा में है, कांगड़ा जिला में बड़ा बंगाल, वहां से रावी नदी जो निकलती है। वहीं चिनाब नदी जो है चंद्र और भागा नदियों के संगम स्थान, तांडी लाहौल स्पीति, ठीक है दोस्तों। यहां से क्या मैंने आपको पहले बताया कि चंद्र और भागा जो नदियां हैं, ठीक है, वो लाहौल स्पीति में निकलती हैं। पहले चंद्रा जो है तो चंद्रताल झील का निर्माण करती है, भागा जो है तो सूरज ताल झील का निर्माण, उसके बाद ये तांडी में जाकर जो है तो चिनाब नदी का निर्माण करती है, और काफी ज्यादा इनका जल क्षेत्र भी है। वहीं यमुना की बात करें तो यमुनोत्री से निकलती है, जो कालिंदी पर्वत पे है, कालिंदी पर्वत पे है, ठीक है दोस्तों। तो ये सब कुछ इसमें दिया है, बहुत ही डीपली दिया गया है। अगर आपको इसकी पीडीएफ फाइल भी चाहिए तो वो भी मेरे पास अवेलेबल है, नीचे डिस्क्रिप्शन में ईमेल एड्रेस दिया गया है, या तो चैनल की डिस्क्रिप्शन में जाए वहां पे ईमेल एड्रेस दिया गया है, आप मुझे ईमेल सेंड करिए, ये पीडीएफ फाइल भी आपको मिल जाएगी। काफी अच्छे से इसको यहाँ पर देखिए वर्गीकरण किया गया है, एक एक तरीके बिल्कुल अच्छे तरीके से किया गया है। तो अगर इस वीडियो में कोई गलती है, कहीं पर मैंने गलत बता दिया, तो आप मुझे जो है तो मेल करके बता सकते हो, नीचे कमेंट बॉक्स में भी मेरी गलती बता सकते हो, क्योंकि काफी ज्यादा ये ऐसा ही नहीं है कि ये एक्यूरेट ही मैंने आपको बताया, तो आप अपने हिसाब से जो मुझे कमेंट करके बता सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। धन्यवाद।